नमस्कार, हेलो आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और हमारा एक और नया व्लॉगिंग वीडियो आ रहा है यहाँ पर, और इस व्लॉगिंग का मकसद ये है, इस व्लॉगिंग वीडियो के आने का मकसद ये है, कारण ये है, क्यों रीज़न है ये है। देखिए हमारा नेट एक बार फिर डाउन है, लेकिन अच्छी बात यह है, गुड न्यूज़ ये है, अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो इसका काम होने वाला था, अभी पता नहीं, मेरा शेडो बहुत आ रहा होगा शायद। हाँ ठीक है। तो इंटरनेट पे काम ऑलरेडी चल रहा है, मैं आपको दिखा सकूंगा तो दिखाता हूँ। वहाँ पे अभी भी आ गई जो टीम, और सीरियसली इस बार सही में दिक्कत आई थी। जो वायर होता है, वायर जो जाते हैं वो हाईवे पर से जाते हैं, उसमें से कोई वायर टूट गया था। तो अभी जो सर्विस मैन आए हैं वो लोग अभी काम कर रहे हैं, तो लगभग एक घंटा लगेगा। और इससे मेरा नेट नहीं बिगड़ा है, पूरी सोसाइटी का, जितने डब्बे के डब्बे कनेक्टेड थे, लगभग 2-3 सोसाइटी डैमेज हुआ है उसका वायर, तो हर जगह नेट डाउन है अभी। तो आज समझो पूरा दिन, 1-1.5 घंटा तो यहाँ से गिनो, मतलब हमारा स्ट्रीमिंग का टाइम तो ख़त्म। ठीक है, तो मौके का फ़ायदा देख के मैंने भी यहाँ पर डिसाइड कर दिया कि आज हम लोग हमारा PC सेटअप आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए देखिए, अभी हाल फिलहाल तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर कुछ इस तरह का मेरा सेटअप है। मैं बता दूँ, मैं एकदम अचानक से बना रहा हूँ वीडियो, तो अरे बाप रे, सब अजीब अजीब चीज़ें भी दिख जाएंगी आपको। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा जो अननेसेसरी चीज़ें वो ना दिखे। तो ये कुछ इस तरह का मेरा सेटअप है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। ये हो गया हमारा केस, PC का भी आपको डिटेल में दिखाऊंगा आगे वीडियो में, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो केस है कुछ इस तरह का दिखता है, देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरह का केस है। इसको मैं ओपन करके भी आपको दिखाऊंगा। मॉनिटर की बात करते हो, मेरे पास हाल फिलहाल 2 मॉनिटर्स हैं, एक LG का ये मॉनिटर है जो कि मेन मॉनिटर है। मैं अभी चालू नहीं कर रहा क्योंकि अभी मैं आपको ये ओपन करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं चालू करूंगा। ठीक है, मॉनिटर आपने ये देख लिया, ये मेरा पहला मॉनिटर होता हुआ, ये बाजू में आप जो देख रहे हैं ये है सेकेंड मॉनिटर, ये मेरे जो पुराने PC का मतलब बचा हुआ हिस्सा था उसमें ये यूज़ नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको अपने मेन PC के साथ अभी जोड़ दिया है, तो ये मेरा सेकेंड मॉनिटर की तरह काम करता है। यस भाई, मैं पिछले कुछ हफ्तों से महीनों से 2 मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ। उससे पहले मेरा जो मोबाइल था, मैं उस मोबाइल को, जैसे मान लो ये मेरा मोबाइल है, तो मैं उसको ऐसे यहाँ रखता था चालू करके, और यहाँ मतलब यहाँ कुछ ना कुछ होता था, या तो कोई सामान होता था या कुछ ऐसी चीज़ रहती थी, या स्पीकर के ऊपर रखता था, उसके अंदर मैं कमेंट पढ़ता था। मतलब कई लोगों को मैंने दिखाया भी है जो पहले स्ट्रीम देखते थे, पर पिछले कुछ हफ्तों से या महीनों से आप कह सकते हो कि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ 2 मॉनिटर। अब आ जाते हैं बाकी के सेटअप की तरफ। तो ये हमारा कीबोर्ड है, मोस्टली जो भी बजट गेमर्स हैं उनके लिए ये जेब्रोनिक्स का ही है ना सर? हाँ, जेब्रोनिक्स का ही है। इसका पैक आता है माउस और कीबोर्ड का। माँ भी मैंने इसका माउस यूज़ नहीं किया है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वर्किंग माउस था। मेरा ये जो कीबोर्ड था पुराना डेल का, वो टूट गया था, तो मैंने उसकी जगह इसको यूज़ करना शुरू किया है। तो ये मेरा कीबोर्ड है, देख सकते हैं जेब्रोनिक्स का, ये 1300 का आया था, माउस और कीबोर्ड का कॉम्बो। तो ये उसमें का कीबोर्ड है, और ये है माउस मेरा ड्रैगन वॉर, जो सबसे बेसिक वर्जन आता है ये वो वाला वर्जन का है। तो ये मेरा अभी के लिए माउस है। इसका जो सेट है ये वाले कीबोर्ड का, वो मैंने अभी रखा हुआ है, वो मैं जब लैपटॉप ले जाता हूँ कहीं बाहर तब उसको यूज़ करता हूँ, लेकिन मेन अभी ये 2 चीज़ें हैं, कीबोर्ड माउस। ठीक है, तो अगली चीज़ आती है यहाँ पे मेरा माइक, जो कि बहुत ज़रूरी हो जाता है दिखाना। मैंने ऑलरेडी उसकी लिंक हर बार वीडियो में मैं पोस्ट करता हूँ, मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। कुछ इस तरह का ये मेरा माउस है, उसकी अरे माइक है, मैंने इसका रिव्यू वीडियो भी डाला था, आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा आपको। ये है माउनो कंपनी का USB कंडेंसर माइक है, पता नहीं कंडेंसर क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, मेरे लिए तो ये माइक ही है। सिंपल सा यूज़ है। ये देखिए, इसके पीछे एक USB केबल है, ये USB केबल को आप कुछ नहीं करना है, USB केबल इसमें कनेक्ट है, टाइप सी है, आप इसको लगा दो यहाँ पे एंड यू आर गुड टू गो। अब आप यहाँ पे जब बोलोगे, जब यहाँ पे आप पावर का बटन दिया गया है, इसमें ये पावर ऑन पावर ऑफ बटन है, और ये माइक को, इसको आप तेज और धीरे कर सकते हो, जो मेरी सेटिंग है मैं अभी वही रहने दे रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा माइक। ये मेरे ख्याल से पता नहीं W करके एक कंपनी है, राइट, हाँ ये राइट कंपनी का, ये इसका क्या कहते हैं इसको, ये यूज़ करते हैं ना इसको कनेक्ट करने के लिए, तो ये है। और ये इसको भी कुछ कहते हैं, ये सब वर्ड मुझे पता नहीं इनके क्या है, अभी याद नहीं आ रहा मुझे कुछ भी ये, लेकिन माइक की आवाज़ जो है वो क्लियर करता है आपकी, जब आप बोलते हो मुँह से थोड़ा बहुत नॉइस क्लियर करने के लिए इसको यूज़ किया। ये भी राइट कंपनी का ही है, जैसा आप देख सकते हो W बना हुआ है। तो ये और ये जो कनेक्ट करने का इसका कनेक्टर है, कह दो ये दोनों W कंपनी का, राइट कंपनी का है, और ये जो है वो माउनो कंपनी का है। तो मैंने आपको दिखा दिया 2 मॉनिटर, कीबोर्ड, माइक, मेरा केस PC का, इससे तो आप मिल ही चुके हो बहुत बार लाइव स्ट्रीम, जो लोग देखते हैं उनको पता है। ये मेरा रेड गियर का
जॉयस्टिक है, एक साल से ऊपर होने आया लगभग, और बहुत ज़बरदस्त है। कई बार इश्यू कर देता है, लेकिन जो भी चलता है, जैसा भी चलता है, ऑसम चलता है, ठीक है। और ये मेरे दो स्पीकर्स हैं, थोड़ा इस डिपार्टमेंट में, स्पीकर डिपार्टमेंट में थोड़ा सा वीक हूँ, ये पता नहीं कैसे उल्टा सीधा हो गया। एक्चुअली यहाँ नहीं रहता ये जो है, ये यहाँ रहता है, एक यहाँ रहता है, पर शायद मैंने वो पीछे सेल्फी स्टिक लगाने के चक्कर में नाटक हो गया कुछ मेरा। तो ये दो स्पीकर हैं, ये भी जेब्रोनिक्स के ही हैं, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, प्राइम टू लगभग 250 या 225 के थे, कुछ नहीं डिस्काउंट में आए थे और कम में थे ये कुछ। तो यही चल रहे हैं मेरे, और मेरे ख्याल से इनफ है, कोई ज़रूरत है नहीं आपको एक्स्ट्रा करने की। बाकी की चीज़ों में अगर मेरे टेबल पे आप देखते हो तो ये मेरा लास्ट वीडियो जो बनाई थी वो रखा हुआ है, ये मैं हटा दूंगा, ये सब रखा नहीं रहता। ये ईयरफोन भी नहीं रखे होते क्योंकि मैं ईयरफोन यूज़ ही नहीं करता हूँ। आपको देखने को मिल जाएगा ये एक MI का बल्ब, ये मैंने समझ लो जब कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो, पर यूज़ हुआ नहीं है ज़्यादा। मैंने ये सोच के लिया था कि मैं अपने चेहरे पे जब लाइट कम हो जाएगी, रोशनी कम हो जाएगी, ग्रीन स्क्रीन यूज़ करता था, तो ये मैं यूज़ करूँगा, लेकिन जब ये मुंह पे रोशनी आती है तो फिर दिखना बंद हो जाता है आगे का। पर ये वसूल है, आप अगर आप स्टडी भी करते हो या आपके टेबल पे एक लैंप चाहिए तो MI का ये फुल वसूल है, 100% वसूल है। दो मेरे सॉकेट हैं, एक्सटेंशन सॉकेट, ये अभी लिया है मैंने फ्लिपकार्ट वाला स्मार्ट बाय, क्योंकि यहाँ पे जो थी लिमिट जो थी वो ख़त्म हो गई थी, और मैं नहीं चाहता था एक ही सॉकेट पे इतना प्रेशर पड़े कि फट जाए वो, तो ये रिस्क मैंने लिया नहीं है। पावर सॉकेट का है ये वाला पावर सॉकेट, ये हमारा मॉनिटर का है, सॉरी ये मॉनिटर का है, और ये वाला वायर जो आप देख रहे हैं ये है मेरे सेकेंड मॉनिटर का। तो सेकेंड मॉनिटर, फर्स्ट मॉनिटर, और ये है पावर सॉकेट जो केस के अंदर है। और यहाँ पे जब आप आते हैं तो आप देख पाओगे ये जो है ये मेरे राउटर का है, ये वाला जो वायर है ये मेरे राउटर को पावर देने के लिए, अरे क्या कहते हैं, इंटरनेट को पावर देने के लिए कुछ मॉडेम को चाहिए होता है, कुछ पता नहीं उसको क्या कहते हैं, कुछ ना मुझे भी पता, वो है ये। और ये खाली है, एक दो यूज़ भी लगे होते हैं, अभी एक ही लगा है जिससे ये हो रहा है चार्ज। तो कुछ इस तरह का सेटअप रहता है, जब मैं बैठता हूँ तो कुछ इस तरह का मुझे दिखता है, मैं बता दूंगा अभी अंत में, बाद में चालू करूंगा। चेयर की बात कर लो तो भाई ये है मेरा चेयर, पहले मैं जो चेयर यूज़ करता था वो अभी हटा दी गई है, प्लास्टिक वाली चेयर थी लगभग 1.5 साल 2 साल यूज़ की। ये जो है ये है ग्रीन सोल की चेयर, फट रहा है क्या ये भी, अरे भाई निकल रहा है ये, ठीक है वो देर से भी निकलना ही था। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा अगर आप कोई भी चेयर यूज़ करते हैं हमेशा उसके पीछे एक कपड़ा लगाएं ताकि आपका बाल वाल का तेल वेल या कोई भी गंदगी है वो इसके ऊपर ना लगे। मेरी हाइट के कारण ये थोड़ा सा इनफिशियंट बन जाती है, लेकिन अगर आपकी हाइट 5-10 या उससे नीचे है तो ये चेयर परफेक्ट है आपके लिए। इसमें अप डाउन मतलब ऊपर नीचे किया जा सकता है, फुल रोटेटिंग है और सही है। बस मेरे हाइट के कारण क्या होता है, जब मैं बैठता हूँ ना तो मेरा पैर जमीन को टच हो जाता है, कमर में जब सीधी करता हूँ थोड़ी सी ऐसे ये गैप रह जाता है, थोड़ा सा ऐसे रह जाती है कमर, ऐसे नहीं बैठ पाता मैं, पता नहीं ये मेरे हाइट के कारण है कि इस चेयर में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन जो भी है अभी के लिए वसूल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पीछे से अगर आप देखते हो तो वायर मैनेजमेंट कुछ इस तरह का है मेरा, पीछे से डिपार्टमेंट से आप देखोगे, ये वो मैं कह रहा था इसका, मैं नाम भूल गया इसको क्या कहते हैं, ये इंटरनेट का वायर है मेरा ब्लैक वाला, इसी में इंटरनेट का आपका मेन वायर लगा है, फिर इसमें से जो ये जो भी क्या कहते हैं इसको पावर वाला, पावर मॉडेम कह दो इसको, इसमें से यहाँ पर एक ब्लू वायर है, वो ब्लू वायर जाके लगता है मेरे राउटर में, और राउटर को पावर मिलता है मेरे वो पिन वो प्लग से, तो इसके थ्रू, फिर इसमें से जो एक वायर और निकलता है पीला वो जाके लगता है मेरे यहाँ पर केस के अंदर, फिर वो इंटरनेट को चालू करवाता है। कुछ पावर बैंक हैं, कुछ यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं रखी रहती, ये JBL है, ओरिजिनल नहीं है, डोंट वरी, ये पता नहीं क्या था पर ओरिजिनल नहीं है। हम मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये केस को खोलने जा रहा हूँ, तो मुझे ये सब निकालना पड़ेगा। देखो ये जो मैं एक बात और बता दूँ, मेरा जो मॉनिटर है ना, ये वाला जो फर्स्ट मॉनिटर मैं बता रहा हूँ पुराने वाले PC का था, तो ये डायरेक्ट इसमें HDMI नहीं लगता था, तो मैंने कन्वर्टर यूज़ किया है, एक कन्वर्टर यहाँ से गया है, ये वाला देख सकते हो वाइट वायर, और वो यहाँ पे एक और दूसरे कन्वर्टर से मतलब जुड़ा हुआ है, ये मतलब नॉर्मल पिन नहीं है, ये HDMI मैंने कन्वर्ट किया है, HDMI टू मेल मतलब ये VGA वाला HDMI टू VGA कन्वर्टर। और दूसरे वाले में भी ऐसा ही कुछ है, देख सकते हो आप, इसमें भी मैंने कन्वर्टर यूज़ किया हुआ है एक, तो ये मेरे फर्स्ट वाला जो है उससे जुड़ा हुआ है, वो HDMI था उसमें, पर यहाँ पर मेरे सेकेंड पिन नहीं थी HDMI की, तो मुझे कन्वर्टर यूज़ करना पड़ा है, तो वो मैं दो यूज़ करने पड़े। बाकी ये आप देख रहे हो वायर जो है ये वाला, वो है हमारा स्पीकर का वायर, ये ये
ये जो देख रहे हैं ये है मेरे वही स्पीकर का यूएसबी, ये येलो वाला जो देख रहे हैं ये मेरे इंटरनेट का है, ये माउस कीबोर्ड, ये एक्स्ट्रा यूएसबी चार्ज वार्ज करने के लिए, और ये मेरे कंट्रोलर का जो पिन आता है वो है जो उसको सिग्नल देता है। तो अब मैं ये सब निकाल के खाली करूँगा और फिर ये बॉक्स ओपन करके दिखाता हूँ कि मेरा मेन पावर जो है मेरे पीसी का सीपीयू जीपीयू और मदरबोर्ड वो क्या है। तो और बता दूँ, ये आप ये जब आप कभी भी देखेंगे ना यहाँ पर, कभी भी आप देखिएगा ऐसे एक प्रेस का निशान बना होगा कहीं भी, तो हमेशा जब भी आप अपना ये निकालें यूएसबी तो उसको ऐसे दबा के निकालें। कई बार क्या होता है जब हम ऐसे प्लग तो कर देते हैं, ये देखिए कितनी आसानी से मैंने इसको, अबे हो जाए यार, ठीक है ये मैंने कितनी आसानी से डाल दिया, देख रहे हैं आप लोग। अगर आप मैं इसको ऐसे निकालूंगा ना, अबे तो निकल गया ठीक है ये हो गया फिट। तो अभी मैं निकाल रहा हूँ, नहीं निकल रहा, देख रहे हैं आप लोग, नहीं निकल रहा, पर जैसे आप ये दबाएंगे ना वैसे निकल जाएगा। तो हमेशा आपके यूएसबी पे अगर ऐसा निशान हो तो उसको दबा कर ही निकालें तो आसानी से निकल जाएगा। हाँ ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे दो स्क्रू हैं, मैं पूरा नहीं खोलने वाला, मैं थोड़ा हिस्सा ही खोल रहा हूँ, अंदर थोड़ा बहुत गंदा हो सकता है, मैंने इसको 2-3 महीने पहले ही किया था ओपन साफ, उससे बाद मैंने किया नहीं क्योंकि ज़्यादा छिड़कानी कई बार भारी पड़ जाती है। तो ये हैं वो दो स्क्रू, इसको निकाला मैंने। अगर आप मेरे केस की बात करते हैं, केस का नाम मैं भूल चुका हूँ लेकिन बहुत फेमस केस है, बहुत सारे लोगों ने खरीदा हुआ है इसको, मैं आपको अंत में बताता हूँ अभी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया ओपन हमारा मेन केस, अरे ये तो उल्टा मैंने खोल दिया, ठीक है, अरे यार भी ना मतलब खोल दिया उल्टा यार, इसको फिट करो, ठीक है। अब मैं दूसरा हिस्सा खोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैसे ही खोलना है, सेम दो स्क्रू हैं, तो मैं रख दे रहा हूँ इस साइड में। और ये रहा हमारा ओपन हार्ट, अरे यार ये मेडिसिन बॉल भी आज बीच में आ रहा है, हट जाए यार, ठीक है, डी 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 डी। तो कुछ इस तरह का है हमारा पीसी। मैंने पहले ही कहा था कि अंदर सफाई थोड़ी सी कम है, अब मेरा एक्चुअली वो ब्लोवर मिल नहीं रहा है जिससे मैं साफ करता था, मेरा प्लान ये था कि अभी बीच में जब बाहर गया था उसके बाद जब मैं आता तो उसके बाद साफ करता, लेकिन मौका मिला इंट्रा और नज़दीक से दिखाता हूँ मैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है ना, है भी खूबसूरत। अब मैं बात कर लूँ यहाँ पे कि ये जब पीसी लेने वाला था तो मेरे मन में क्या चल रहा था, जब ये पीसी मैं लेने वाला था मेरे मन में ये था कि मुझे कम से कम एचडी गेमिंग करना है, फुल एचडी गेमिंग करना है और स्ट्रीमिंग भी ध्यान रखना है, तो ये दो चीज़ें मेरी थी मन में। मैंने जितना भी सर्च किया है इस पीसी को बनाने में, ये चीज़ मेरी मेन थी कि 1080p में तुम्हारा भाई गेम प्ले होना चाहिए और स्ट्रीमिंग भी होनी चाहिए। तो ठीक है, अब मैं आपको मिलाता हूँ एक एक करके चीज़ों से, इस गेम इसमें लगा क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो भाई नज़दीक आ जाओ थोड़ा, अब बहुत क्लोजअप आने वाला है। ये देखिए, ये जो चीज़ देख रहे हैं आप, ये है इसका पावर सोर्स, कॉर्सेयर का है ये CX550, और हाँ 550 मतलब लिखा है, मतलब 550 वॉट का ये पावर देता है। इसका बॉक्स मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरह का 550 वॉट का इसका बॉक्स है, इसी के अंदर आया था ये, और ये मैंने ऑफलाइन लिया था शायद, हाँ ये मैंने ऑफलाइन लिया था, कुछ चीज़ें इसमें ऑनलाइन भी हैं कुछ ऑफलाइन भी हैं, जैसे कि मेरा जो मॉनिटर है वो ऑनलाइन है, मेरा केस है वो ऑनलाइन है, मेरी SSD है वो ऑनलाइन है, और भी मतलब हाँ मेरा मदरबोर्ड जो है वो भी ऑनलाइन है, तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन है। मैं आपको ये देख सकते हैं, ये तो मेरा मतलब बिल बिल रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा इसमें काम की, लेकिन ये इसका बॉक्स है, मेरा CX550 है, 550 वॉट का इसको पावर मिलता है मेरे पूरे सिस्टम को इसी के थ्रू, यही है भाई सब कुछ, ये है अगर जिंदा है तो ये सब जिंदा है, ये ख़त्म सब ख़त्म। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं ना आप, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे GeForce Jotec गेमिंग का, यहाँ पे GeForce का ग्राफिक्स कार्ड आपको देखने को मिल रहा है, हालत ये भी बहुत गंदा है, रुको फूंक मार दूं भाई, ये फर्क है इसकी इसमें, ये देख रहे हैं आप, ये देखना अभी काफ़ी गंदा है, लेकिन ठीक है मैं अभी इसको अच्छी तरह से साफ तभी करूंगा जब मैं पूरा पीसी साफ करने वाला हूँ, अभी मैं इसमें कोई ज़्यादा छिड़कानी नहीं कर रहा। ये देख सकते हैं जोटेक जी फोर्स GTX सीरीज है इसकी, और इसके पैक की बात करते हो किस पैक में आया था, तो ये है मेरा जोटेक का, देख सकते हैं जी फोर्स 1660 Ti, 6GB रैम देख सकते हो यहाँ पे, 6GB GDDR6 और फायर स्टॉम
यहाँ पे है एक्सटेंडेड वारंटी के साथ था 1660 Ti। तो ये है मेरा यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड, मेरे ग्राफिक्स इंसेंटिव गेम्स जब भी चलती हैं तो इसकी सबसे पहले वार्ड लगती है। CDI थी इसके साथ, आप देख सकते हो चोटेक की, इसी पैक में आया था, एग्जैक्ट इसी पैक में आया था। ये मेरा रैम का डब्बा कहाँ घूम रहा है अभी भाई, तेरे को अभी नहीं दिखना, तो अभी बाद में आ। ये AMD वाला भी अभी नहीं, ये अभी भाई तो CPU वाला है, ये इसी पैक में आया था एग्जैक्ट। अगर आप इसका पैक का डेट देखते हो ना, पैक की प्राइस देखते हो, मैं दिखाता हूँ इस पर क्या लिखा हुआ है। इस पर लिखा हुआ है 33,615, इतना नहीं थी, और 2019 डेट दिखा रहा है। मैंने तो इसको लगभग अगस्त या अगस्त के आसपास लिया था। तो ये मेरा जो ग्राफिक्स कार्ड आप देख रहे हैं, ये वाला यहाँ, ये इस बॉक्स में आया था, GTX 1660 Ti। फिर हम जाते हैं थोड़ा और ऊपर, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा हमारा CPU। तो सही कह रहा हूँ, अगर आप PC बिल्डिंग में नए हैं ना, तो CPU आपको सबसे हैरान करेगा, सबसे ज़्यादा हैरान करेगा, और पूरे सिस्टम का सबसे नाजुक हिस्सा होता ही है। अगर आपके पास CPU होगा तो आपने इंसर्ट करना करके देखा होगा, तो मालूम पड़ा होगा अगर आप नए हैं तो कितना ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग रहा होगा वो। और दूसरी दिक्कत ये हो गई थी कि मेरी पिन मुड़ गई थी, मेरे PC बनाने में बहुत दिक्कत आई थी, नरक हो गया था। पर फाइनली लगभग कितने मैंने लिया, 15-20 दिन लग गए, उसके बाद जाके चालू हुआ था। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है मेरा CPU। मैं आपको दिखाता हूँ उसका बॉक्स, ये सबसे छोटे बॉक्स में आता है लेकिन सबसे काम का होता है, ये Ryzen 5 3600X। ये जो आप देख रहे हैं, ये है मेरा CPU का बॉक्स, Ryzen R5 3600X, और देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का बॉक्स आया था। इसके अंदर जब आप इसको ओपन करते हैं ऐसे, यार एक हाथ बहुत बहुत कम लगता है, 2-4 हाथ होने चाहिए थे कई बार तो लगता है मुझे, ठीक है। ये बॉक्स में आया था, इसमें फ़ैन था, और CPU जो आता है वो एक्चुअली यहाँ एक पन्नी जैसा हिस्सा होता है, मतलब ऐसे ही एक पॉलीथीन होती है, जैसे ये इसके अंदर आपको दिख रही है ऐसी पॉलीथीन, बस ऐसी एक पॉलीथीन होती है जो यहाँ से निकली होती है। उसमें Ryzen 5 3600 का CPU यहाँ से दिखता है आपको कि कौन सा CPU है, कौन सा आर्किटेक्चर है, क्या है। तो मेरे पास जो CPU है वो है R5 3600X। अगर आप नए CPU बिल्डर हैं तो भाई बहुत सोच समझ के CPU बाय करना, और बहुत सोच समझ के लगाना भी। थोड़ी सी गलती की ना तो पूरा आपका CPU टाइम फिस हो जाएगा, और पूरी बिल्डिंग PC बिल्डिंग आपकी धरी की धरी रह जाएगी। उसके बाजू में आपको देख रहे हैं लाल लाल कलर का, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, वो है हमारी रैम। मिलाता हूँ रैम से आपको, सेम ही रैम ली थी। आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा जब भी आप लोग रैम लें तो हमेशा सेम ही रैम लें दोनों। ये है XPG की गैमिक्स D30 DDR4, ये इंपॉर्टेंट है। आप नई ले रहे हैं अगर रैम तो DDR4 ही लें, उससे कम को टाटा बाय बाय करें। 8GB रैम देख सकते हैं, 8GB मतलब कितना काउंट हुआ, आप मैथ्स करो भाई सब लोग, मैं जवाब नहीं दूंगा। 8 + 8 8GB + 8GB कितना GB, जितने GB होता है उतने GB रैम है मेरी। दोनों सेम ही है, यही एग्जैक्ट बॉक्स था इसका जो आप देख रहे हैं इस वक्त। प्राइस मुझे अभी याद नहीं आ रही, मैं आएगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। बाकी मेन मकसद तो मेरा हो जाएगा यहाँ पर आपको दिखाने का। अंदर भी कुछ दिया हुआ है, पता नहीं क्या प्रिंट किया है, कुछ है प्रिंट चाइनीज लैंग्वेज में। इस पर डेट दिखा रही है 8 अगस्त 2019, पता नहीं कितना दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा यहाँ पर रैम, आपने देख लिया मेरा पावर सप्लाई, मेरा GPU, मेरा CPU, मेरा रैम। और अब जब आएंगे इसके थोड़ा राइट हिस्से में से जा रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी। एक यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर HD, दो हार्ड डिस्क हैं। यस भाई, मुझे दो हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ी है, और पता नहीं नीचे दिख रहा है कि नहीं, पर एक छोटा सा ये बॉक्स दिख रहा है, ये सिल्वर कलर का, ये मेरी SSD है। दिखाता हूँ मैं, अगर इसका बॉक्स है मेरे पास तो। अभी रैम इस तरह के बॉक्स में आई थी, ये मतलब ये बॉक्स और इसके अंदर था, तो रैम इसमें आई थी। तो ये है मेरा SSD का SSD, आप देख सकते हो मेरे पास 250GB की SSD है, क्रूशियल, देख सकते हैं क्रूशियल कंपनी की MX500 2.5 इंच सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब मैं एक बात और बता दूं, अगर आप भी SSD ले रहे हैं भाई, देखो अगर आप नया PC बिल्ड कर रहे हैं, प्लीज़ 1GB हार्ड डिस्क लेने से बेहतर है कि आप एक 256GB की मेरे जैसी एक 250GB की एक SSD लें, और 512GB का हार्ड डिस्क लें। 1GB मत बिगाड़िए, खास करके तब जब आपके पास SSD ना हो। 5 ईयर की लिमिटेड ईयर वारंटी है, ये भी मैंने ऑनलाइन ली थी, रैम भी मैंने ऑनलाइन ली थी, ये दोनों चीज़ें मैंने ऑनलाइन ही ली थी। ये आप जो एक हार्ड डिस्क देख रहे हैं, एक नई ली है मैंने,
उसका कुछ बचा है नहीं, क्योंकि अब आजकल जो हार्ड डिस्क आती हैं वो एकदम पन्नी में सिर्फ आती हैं। तो एक हार्ड डिस्क मेरी यहाँ पर 1 GB की है, एक 512 GB की है, तो मेरे पास लगभग डेढ़, अरे 1 GB नहीं भाई, 1 TB, पागल। मैंने जितनी बार भी GB बोला है प्लीज़ उसको TB समझना, 1 GB वाले में 1 TB हार्ड डिस्क, 512 GB हार्ड डिस्क। तो ये मेरी डेढ़ TB का मेरे पास लोकल स्टोरेज है, 256 GB की भी नीचे SSD देख रहे हो। तो ये मेरा सिस्टम हो गया। अभी ये सब चीज़ें देख ली, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इन सबको होल्ड करती है आपकी बॉडी, PC की बॉडी, मतलब ये बॉडी तो है ही पर एक कहते हैं ना हड्डी, हड्डी स्ट्रक्चर वो होल्ड करता है ये मदरबोर्ड। पीछे ये दिख रहा है, ये भाई ये जिसके ऊपर ये लगा है, 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 ये सब जिसके ऊपर लगा है वो कहलाता है मदरबोर्ड। और उसने मेरे नाक में दम कर दिया था। इंडिया में B450 Max लेने वाले टॉप पता नहीं कितने लोग, 100, 200, 300, 400 पता नहीं, लेकिन इंडिया में सबसे पहले ऑर्डर करने वाले लोगों में से मैं एक रहा हूँगा। इंडिया में ये रहा उसका बॉक्स, इस पर आप देख सकते हो बहुत सारे, एक ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये फिर अरे भाई ये B450 Tomahawk Max, ये है मेरा मदरबोर्ड भाई। इसको 1 महीने तक लगभग 5 बार ये सर्विस सेंटर में गया था, थैंक्स टू प्रदीप जी, मुझे उनका प्रदीप चौहान यहाँ पे नाम लिखा है, प्रदीप चौहान जो कि दिल्ली में MSI के लिए काम करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो इन्होंने हर मेरे मतलब जितनी बार भी प्रॉब्लम आई उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की। ये बात अलग है कि इनका जो MSI का जो मदरबोर्ड है वो एकदम मेंटली चैलेंज्ड है। ऑडियो नहीं चल रहा था और दिक्कत पता है क्या थी, मेरे को अपना जो मेरा VGA2 कन्वर्टर है ना, मेरे को कन्वर्टर के बिना उसको यूज़ करना था, मुझे इस मदरबोर्ड को, ये मेरे मदरबोर्ड को एक बार सिंपल HDMI to HDMI कन्वर्टर से कनेक्ट करना था तो ऑडियो चलने लगता। मैं VGA to HDMI कन्वर्टर यूज़ कर रहा था इसलिए नहीं चला था। और ये चीज़ पता करते करते 15 दिन लग गए। ये बॉक्स के अंदर आप जो देख रहे हैं ये सब तो काम का, ये देखिए इसका ये सेटअप है, सेटअप गाइड आई थी इसकी। प्लीज़ आपके पास मदरबोर्ड हो गलती से भी अपनी सेटअप गाइड को मत फेंकना, उसकी PC की मदरबोर्ड की सेटअप गाइड को, कोई भी सेटअप चीज़ को मत फेंकना, खासकर GPU CPU मदरबोर्ड और RAM, नहीं तो बहुत पछताओगे भैया, फिर गूगल भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये इसका बॉक्स है, MSI का आ रहा है, इसी के अंदर आया था MSI, इसी बस एग्जैक्ट यही पैकेजिंग था इसका। ये इसकी डायरी थी, CD आई थी जो कि आजकल अब बेकार हो गए, सब ऑनलाइन ही मिल जाता है। थैंक यू फॉर चूजिंग द MSI प्रोडक्ट। इतना टेंशन था मुझे कि मैं कुछ रिडीम ही नहीं कर पाया, ऐसा कुछ ऑप्शन था उसमें, रिडीम का ऑप्शन था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, लेकिन ये कुछ इसका बॉक्स है। तो अभी मैं सब कुछ रख दे रहा हूँ, अब मैं बिल ढूंढ रहा हूँ कि मैं आपको प्राइस बता सकूँ हर चीज़ की क्या है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेटअप, लगभग मैंने आपको अपना PC सेटअप पूरा दिखाई दिया है। ये कुछ जो एक्स्ट्रा वायर आप देख रहे हैं ये सब कनेक्टेड है, आगे देखो यहाँ पे एक फैन लगा हुआ है, तो ये फैन वाली लाइट से कनेक्टेड है, SSD से कनेक्टेड है, नीचे मदरबोर्ड से हिस्से कनेक्टेड है। और सबसे बड़ा रिस्क क्या रहता है पता है, जब भी आप इस तरह का CPU मतलब रेडी कर लेते हैं ना और अब साफ करते हैं या खोलते हैं या टच करते हैं तो फिर से चालू होगा कि नहीं उसकी गारंटी नहीं होती। कई बार आपको रैम को रबर से साफ करना पड़ता है, कई बार फूक मार के लगाना पड़ता है, कई बार वायर्स को एक बार फिर से निकाल के फिट करना पड़ता है, तो ये काफ़ी मतलब रिस्की टास्क रहता है। इसीलिए मैं भी जल्दी PC को साफ करने के लिए ओपन नहीं करता, मतलब अभी फिर भी साफ ही कहूँगा मैं इसको, हल्की फुल्की धूल है लेकिन ठीक है, ये बहुत ऐसा नहीं है कि हालत ख़राब है, क्योंकि यहाँ पर जाली जो है ना, यहाँ पर इस हिस्से में यहाँ पर जाली लगी हुई है, कई बार तो उसमें भी मिट्टी जम जाती है, तो भाई वो फाइनल लिमिट आ जाती है, फिर तो करना ही है साफ। चलिए मैं अभी इसको बंद कर रहा हूँ, मुझे बिल नहीं मिला, मुझे सिर्फ एक बिल मिला है वो मैं अभी नहीं बता रहा आपको, अगर पूरा मिलेगा तो ही बता पाऊँगा, नहीं तो नहीं, मुझे रैम का सिर्फ बिल मिला है बस अभी। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ दिखानी रह गई, वो है हमारे मॉनिटर का बॉक्स। ये है मेरा मॉनिटर LG का 2240p 68VQ, और ये मेरे ख्याल से मोस्ट बेसिक HD मतलब गेमिंग की सबसे शुरुआत ही है ये, मोस्टली सबके वहाँ जो भी गेमर्स बजट बनाना चाहते हैं इससे बेहतर आपको मिलने वाला नहीं है मॉनिटर सस्ते प्राइस में, वो भी LG का सपोर्ट। एक बार बिगड़ी थी स्क्रीन, यूं फ़ोन करते ही एक दिन के अंदर पूरा स्क्रीन बदल दिया था मेरे को, तो मेरे को वो भी काफ़ी सही चीज़ लगी कि बढ़िया है यार ये। तो ये इसका बॉक्स है LG का मेरा। तो भाई मैंने अपने स्थान पर इसको रख दिया। एक और टिप्स उन सभी लोगों के लिए जो लोग अपना नया बिल्डिंग कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं PC सर, प्लीज़ मेज छोटी मत बनाना। मैंने
बेवकूफ़ी कर दी थी। मैंने मुझे मालूम नहीं इसकी साइज कितनी है, लेकिन जितनी भी मैक्सिमम हो सकती है ना, आपकी जो लिमिट है बस उसको टच कर जाओ। देख लो मेरा कितना कुछ है इस पे। दो मॉनिटर है, एक क्या कहते हैं, एक हमारा यहाँ पर केस है पीसी का, और मैं कम से कम चाहता था ये जो जगह इतनी है ना, मैं चाहता था इतनी जगह तक भी हो जाता तो अच्छा रहता, अभी बहुत अस्त व्यस्त है। और बता दूँ, मेरे घर पे मुझे कहा था कि बेटा बड़ा बना ले, बड़ा बनवा ले, कीमत सेम ही लगी है दोनों की, चाहे बड़ा बनाओ या छोटा बनाओ, लकड़ी थोड़ी सी लग जाती वो तो चलता, पर मैं सोचा नहीं भाई, मुझे तो छोटा करना है, कॉम्पैक्ट में करना है, मुझे कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, और उस चक्कर में मैं फंस गया। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप अपना पीसी बनवा रहे हो तो गलती से भी छोटा मत बनवाना, नहीं तो एक बार बन गया तो बन गया, अब इस लकड़े को मैं एक्सटेंड नहीं कर सकता जिससे रैम एक्सटेंड होती है। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जिन लोगों को पता ना हो मैं बता दूँ, यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ अपना सब कुछ। एक बात और, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा लगता है कैमरा, कैमरा मतलब अभी मेरे पास कैमरा है नहीं, तो मेरा ठीक है, मेरा यहाँ पे मोबाइल रखता है, मोबाइल को मैं USB से कनेक्ट करता हूँ, अगर कैमरा होता है तो कैमरा मतलब होता है तो, पर जनरली मोबाइल ही लगता है यहाँ पे। मोबाइल आप देख रहे हैं मेरा, अभी मोटो G1 है और पोको F1 है, अभी पोको F1 मिल नहीं रहा है, नहीं तो मैं दिखाता। ये मेरा मोटो G1 जो कि यहाँ ऐसे मतलब ऐसे ऐसे लगता है, हो जाए ऐसे यार, ऐसे लगता है, यहाँ से USB निकलता है और वो जाके यहाँ लगता है USB में, और फिर ड्रॉइड कैम की मदद से मैं लाइव करता हूँ, कैमरे को यूज़ करता हूँ, और इंटरनेट भी रह गया है अभी, एक्चुअली इंटरनेट अभी भी चला नहीं है तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन ये मेरी सब चीज़ें सही से भी, ये जो हिस्सा है ना ये थोड़ा सा दिक्कत होती है, डैमेज नहीं हुआ है, वो थोड़ा सा बस निकल गया है बाहर हमारे ऑडियो के लिए, ये लगा भाई हमारा ठम। तो भाई साहब हो चुका है हमारा PC यहाँ पर रेडी, प्लीज़ चल जाना, मुझे तो बहुत कस के डाउट है कि चलेगा, प्लग ऑन हो गया है, ये रहा पावर, ये दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ आउटपुट लाने की है, नो सिग्नल, ये देखो भाई, चल जा चल जा चल जा, प्लीज़ चल जा यार, अरे यार भाई धाम हो गया, नहीं तो ये सब चलता है, ये दिक्कत नहीं होती, यहाँ लाना था यार, नहीं चला, बंद करके फिर से पूरा वायरिंग करनी पड़ेगी यार, हो गया ना दाँव। प्लीज़ लाइक कर देना यार वीडियो को, यहाँ डबल मेहनत हो गई, ये है वो चश्मा, ये क्या हुआ, लाइट ऑफ हुई है, चल गया क्या, नहीं भाई, ये है वो चश्मा जो आप लोग मुझे पहने हुए देखते हैं, ये है साइक्सस का CYXUS, काफ़ी सही है भाई, ब्लू लाइट को बहुत अच्छा फिल्टर करता है। बता दूं मैं कि मैंने इसको खोल दिया है पूरा, कुछ चीज़ें जो मैं हमेशा सेट करता हूँ जो मोस्टली प्रॉब्लम करती हैं मेरे ही लिए, यहाँ पर देखिए आप, ये जो मेरा हार्ड डिस्क है ना, पता नहीं कि ये इसके सिस्टम में, इसके बनावट में कुछ गड़बड़, इसका जो हार्ड डिस्क का वायर है ना वो इतना बाहर निकला रहता है, तो मुझे लगता है कि ये शायद दिक्कत करता है, ये कनेक्ट नहीं करने देता OS के साथ, OS लोड नहीं होती, मैंने रैम के कोई कोई को कुछ टच नहीं किया है, फिर से ट्राई कर रहे हैं हम लोग, लेके प्रभु का नाम, प्लग पावर, मोस्टली यही दिक्कत होती है कई बार, नहीं तो फिर रैम के भरोसे, एक बार चल जाएगा फिर मैं ये बॉक्स को ढकूंगा, अभी अभी कुछ नहीं कर रहा मैं, चल जाए यार, नहीं तो पता नहीं क्या दिक्कत आई है फिर रैम के भरोसे, नहीं चला यार ये भी, अब जो रैम है ना, अब मैं रैम को निकाल के फिर से लगाऊंगा, और कोई तरीका नहीं है, अभी एक्चुअली दिक्कत ये है कि मैं अकेला हूँ भाई, तो मैं होल्ड नहीं कर सकता इसको, निकाल के मैं अच्छी तरह से दिखा नहीं सकता जैसे दिखाना चाहता हूँ, लेकिन एक रैम मैंने साफ कर दिया, मैं अभी दूसरी को निकाल रहा हूँ, यहाँ पे दो प्लग हैं ऊपर, वो प्लग आप निकालेंगे, उसके बाद जब आप ऐसे निकालेंगे रैम को हाथ में लेंगे तो वो आ जाएगी आपके, और ये मैं कह सकता हूँ विदाउट अ डाउट मेरे पूरे सिस्टम में सबसे खूबसूरत चीज़ अगर कोई है तो वो है मेरी रैम, कितनी ज़बरदस्त है ना, ऑसम है ना दिखने में भी, पर गंदी बहुत हो गई, फूंक मार देते हैं, ठीक है अब लगाने की बारी आई है, एक हाथ से शायद ना लगे, दूसरा हाथ फ्री करना पड़ेगा यार, और एक बात मैं मान गया भाई, जो लोग प्रॉपरली अनबॉक्सिंग करते हैं ना, या तो उनके पास जगह बहुत होगी या तो कुछ, मतलब बहुत मान गया मैं, उनको करना आसान नहीं है, मैं भाई इसको रोक रहा हूँ, रुको वीडियो को मैं इसको लगा के फिर दिखाता हूँ, ये हो गई है वायरिंग, मैंने यहाँ SSD की देख ली एक बार, हल्का फुल्का ये सारा वायरिंग देख लेते हैं यार, मैंने सोचा नहीं था कि ये मेरे को इतना महंगा पड़ेगा, मतलब बस हो जानी चाहिए यार, अब अगर नहीं होती तो फिर
मेरे को फिर मदद लेनी पड़ेगी किसी और की, पूछना पूछना पड़ेगा कैसे ठीक करते हैं यार, ये तो भारी पड़ गया बहुत ज़्यादा पीसी सेटअप दिखाना। चलिए भाई चालू करते हैं एक बार फिर, लेके प्रभु का नाम, जय हनुमान। चलो भाई हो जा, अब तो भाई कोई कमी नहीं रही है मेरी तरफ से। अरे यार चेकिंग सिग्नल में जा रहा है, कई बार क्या होता है यहाँ सिग्नल नहीं आता यहाँ आ जाता है, लेकिन अभी दोनों में ये नाटक हो रहा है। अगर हार्ड वो जीपीयू निकाल के करना पड़ा तब तो बहुत महंगा पड़ गया, ऑलरेडी महंगा पड़ ही गया मुझे दिखाना। हो जा अभी भी हो सकता है, प्लीज़ हो जा। यहाँ तो सब सही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है डिस्प्ले की। एक मिनट बेटा तूने कही ये तो चेक कर ले तू। कई बार क्या होता है कि आप सब सही कर रहे हो तो थोड़ी सी बेवकूफ़ी कर लेते हो, देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर बेवकूफ़ी तो नहीं कर रहा, ठीक है ये क्लियर है, नहीं हो रहा यार। एक बार फिर से अभी यही है, ट्राई एंड एरर चल रहा है यार, पावर ओवर सब आ रहा है, ग्राफिक्स कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। LG इस बार लिखाया लेकिन उससे भी होता है, LG तो ऐसे ही आता है लिखा हुआ उसमें, वो तो चेकिंग सिग्नल। अरे यार कहाँ दिक्कत कर दी भाई तूने, भारी पड़ गया दिखाना, दांव हो गया भाई मेरे साथ। कुछ नहीं भाई, अब GPU निकाला जा रहा है, कैसे निकालते हैं GPU वही देख लो, अब बहुत महंगा पड़ गया। अभी इस GPU को मैं निकालूंगा हमारे टूल की मदद से यार। अब इसमें से मेरे ख्याल से एक ऐसा स्क्रू होगा जिसकी सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होगी, वो स्क्रू लगेगा। ये देखो इसका आकार ही बदल गया है, ये मजदूर का हाथ है टातियाँ, लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है भाई। ये बहुत इरिटेटिंग है इसको निकालना। सबसे पहले तो भाई इसका मैं ये वायर निकाल दूँ, दो ठो याद भी रखूँ क्योंकि मैं भूल चुका हूँ एग्जैक्टली कौन सा वायर कहाँ लगता है। ठीक है इसको मैं छिपा के यहाँ रख दे रहा हूँ इस तरफ, ताकि वीडियो के थ्रू याद रहे, कम से कम इस काम ही आ जाए वीडियो। मुझे इसको निकालना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है, पहले ये पूरा पैनल निकालना पड़ेगा, मतलब कि ये अब ये यहाँ पर भी ये जो फिट है ना, अब इसको भी निकालना पड़ेगा यार। यही मैं नहीं चाह रहा था कि हो, ठीक है ये निकाल दिया है। अब ये अभी भी निकलने के लिए रेडी नहीं हुआ क्योंकि ये शायद ठीक है नहीं, अब निकल सकता है, ठीक है रेडी 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 रेडी। अब यहाँ पर दो पिन विन है क्या कुछ, पिन है तो, लेकिन भाई पिन है शायद, रुक तो हाथ ही नहीं पहुंच रहा मेरा वहां तक, सब कुछ जाम हो गया है। कुछ और भी है क्या यहाँ पे, निकल नहीं रहा आसानी से, ठीक है यहाँ पे पिन है तो, इसको ऐसे निकालने का अलग ढंग है क्या। हाँ पिन है, अजीब पिन है भाई, ये हाल है मेरे GPU का भाई। चलो सही है, इसी बहाने लाइव स्ट्रीम के बहाने आपको दिखाने का मौका मिल गया। इसको मैं अच्छी तरह से साफ करूंगा, कोई शक नहीं इसमें, पूरा मदरबोर्ड भी दिखने लगा अच्छी तरह से, ये देखो दिख रहा है ना, ये पूरी जगह साफ है, और साफ है यार मेरा, इतना भी गंदा नहीं है जितना मैंने खुद को ही अपने कह दिया, इतना भी गंदा नहीं है ये, साफ सुथरा है, बस ये थोड़ा सा गंदा था वो अभी मैं साफ कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कुछ ऐसा लग रहा है, मुझे मालूम है कुछ ज़्यादा चेंज नहीं लग रहा, लेकिन अंदर से फुक फाक एकदम मस्त कर दिया है मैंने, तो मेरे ख्याल से अब चल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अंदर भी फूक मारनी पड़ेगी एक बार शायद, पर मैं मारूं कैसे। अब बारी है इसे फिट करने की, भाई नाटक ना करना, चल जा मेरे भाई, भगवान जी चला देना, मैं और नहीं सह पाऊंगा यहाँ पे इतना। ठीक है फिट तो बहुत अच्छी तरह से हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, लॉक हो जाएगा अपने आप ही जब वो फिट होगा ना। अब मैं बता दूँ रैम का भी यही है, GPU का भी यही है, जब भी वो दोनों फिट होंगे खुद ब खुद आवाज़ आएगी, पू करके नहीं अलग तरीके से, लेकिन आएगी आवाज़ ज़रूर। चलो भाई एक बार और मैंने कर दिया है सेटअप, वही जो अभी आपको दिखाया, अब फिर से ट्राई करने जा रहे हैं। यार अरे यार चेकिंग सिग्नल का एरर क्यों आ रहा है, लेकिन अबे भाई दांव हो गया क्या। हाँ थोड़ा वक्त ले सकता है, लेकिन यार तीन बार कर दिया यार मैंने, क्या दिक्कत हो रही है मेरी, मेरे समझ में नहीं आ रही। अब मैं ऐसे यहाँ से कहाँ मैं दिक्कत कहूँ भाई, देखो ये पंखा चलता है जब चलता है ना, कुछ ऐसा लुक आता है जब मेरा PC चालू रहता है तब,
मतलब स्क्रीन को छोड़ के, अभी स्क्रीन ही बंद हो गया है बेवकूफ जैसा, पता नहीं कैसे क्यों। एक और तरीका, रुको मैं इसका जो रिस्क ले रहा हूँ, करंट वरेंट लगा तो भाई आप लोगों के माथे आएगा, याद रखना, पहले ही कह दे रहा हूँ मैं। चल जा कुछ तो चल जा, मतलब ये दिक्कत नहीं है, यहाँ के वायरिंग का कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चेक सिग्नल केबल एरर आ गया है भाई। तो अब क्या बताऊँ यार, मैं अभी मैं यहाँ पे हैरान परेशान बैठा हूँ, यहाँ पर यहीं से बैठ के करता हूँ स्ट्रीम भाई, जो आप देख रहे हैं सेटअप में। अब ये पड़ा बंद यहाँ पर, अब वीडियो को व्लॉग को यहीं रोकना पड़ेगा, नेट चालू नहीं हुआ है अभी। अभी ये सारी चीज़ों को मैं साइड में रखूँगा, सबसे पहले मैं ये इसको ठीक करूँगा। कमेंट सेक्शन में मैं बता दूँगा अगर चालू होता है कि नहीं। और मैंने आपको अपना सेटअप बता दिया है, अब कीमत थोड़ी ज़्यादा चुकानी पड़ी है, प्राइजेस मुझे नहीं मिल रहे हैं अभी एग्जैक्टली, और मैं अप्रोक्सीमेट नहीं बता सकता, पर मैं आपको ये बता देता हूँ, मैंने अगस्त 2019 के आसपास, अगस्त से अक्टूबर 2019 के आसपास सब चीज़ें ली थी, तो आप गैस कर सकते हो, नेट पर से प्राइस कंपेयर कर सकते हो कि कितने का बना होगा। अपडेट होती है तो मैं मतलब अपडेट कर दूंगा, पर अभी मुझे सिर्फ मेरे रैम की याद है, कुछ 6800 समथिंग समथिंग की रैम आई थी, तो बाकी का प्राइस एग्जैक्ट मैं ऐसे रैंडम नहीं कहना चाहता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ करिए प्लीज़, सब दुआ करना कि मेरा चल जाए ये पीसी, क्योंकि जब ये चलेगा तभी ये व्लॉग अपलोड होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, व्लॉग के कुछ आइडियाज़ हो, नहीं नहीं रहने देना भाई, मैं अपने तरीके से लाऊंगा बेस्ट जो होगा। बाकी मिलते हैं हमारे चैनल पे लाइव स्ट्रीम में, वीडियोज़ में, बाय बाय, टाटा, गुड डे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर नेक्स्ट रिस्टार्ट, मतलब 2 मिनट बाद ही किया है मैंने, 2-3 बार ये रिस्टार्ट हुआ है सिस्टम, और अभी ये ऐसा लग रहा है कि शायद OS लोड करने की कोशिश कर रहा है। जब तक हो नहीं जाता तब तक मैं कुछ नहीं कहूंगा, इतना टाइम कभी नहीं लगता इसके लोड होने में, इतनी देर में तो 5 बार, मतलब मैंने तो रिकॉर्डिंग भी थोड़ा लेट शुरू किया, मतलब ये तो 6-7 बार बंद चालू होकर हो जाता है, ये बहुत टाइम ले रहा है यहाँ पे। चार बज के 54 मिनट, फाइनली कुछ अलग आई है यहाँ पर। ये कह रहा है F1 to run setup, पहली बात तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि चलेगा, तो मैंने यहाँ पे कीबोर्ड वीबोर्ड लगाया ही नहीं है, लेकिन फाइनली यहाँ पे चालू हो गया। पर बता दूं किससे ठीक हुआ है, ये जो चला है ये थैंक्स टू रबड़ की बदौलत चला है, रबड़ और रैम जो है ना मैंने उसको घिसा, मतलब मैंने सब कुछ ट्राई किया है, बैटरी निकाल के कर ली, वायर सब सारे वायर्स सब निकाल के कर ली, एक एक वायर यहां से निकाल नहीं हुआ। उसके अलावा GB तो हमने आपके सामने किया था, रैम कर ली, लेकिन रैम का जो कॉर्नर था ना उसके जब रबड़ को मैंने घिसा रबड़ से, तब जाके यहाँ पे कुछ अलग आया, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूँ, देखो क्या होता है। F1 टू रन सेटअप एंटर, प्लीज एंटर सेटअप, ठीक है। अब ये क्या है मुझे नहीं मालूम, पहली बार मैं इस तरह की स्क्रीन पे आया हूं। अब इसमें क्या करना है मुझे, सेव एंड एग्जिट कर देते हैं हम लोग, सेव चेंजेस एंड रिबूट कर देते हैं, मैंने कुछ किया ही नहीं एक्चुअली, जो डिफॉल्ट था मैंने सेव चेंजेस एंड रिबूट कर लिया है। अब प्लीज चल जाना, ये अभी भी खोखला यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे नो सिग्नल आ रहा है यार। बैक स्क्रीन हो गया, हे भगवान, नेट नहीं आया है। मैं दिखा देता हूँ यार, अपडेट का यही हाल है। अब वीडियो एडिटिंग पे काम मैं करूंगा, फाइनली PC चालू हो गया, लेकिन अभी सबसे बड़ा काम है इसको सही ढंग से बंद करना, डब्बे को जैसा था वैसा का वैसा ही कर देना। जी हाँ भाई, अभी कुछ डेटा वेटा कुछ लॉस्ट नहीं हुआ है, ये हमारी स्क्रीन है, यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे हमारा गेमिंग होता है, जो होता है सब इस पर से ही होता है।